बीजेपी कह रही है कि प्रशासन शराब माफियाओं से मिला हुआ है। संजय जायसवाल जी का बयान देखिए, बीजेपी के कोटे से पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, वो अपने मंत्री पर भू माफिया से मिले उन्हें का आरोप लगा रहे हैं। विधायक बीजेपी के ज्ञानू जी अपने सभी मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर से खोजेंगे, हेलीकॉप्टर से खोजिए चाहे सेना बुलाइए, जब तक सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं शराब तस्करों को मिलेगा, लोग जहरीली शराब पीते रहेंगे मरते रहेंगे। आप पूरा एनर्जी ऊर्जा सरकार की सारी ताकत झोंक दीजिए, इससे फायदा क्या होगा। जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय का देख लीजिए शराबबंदी किस तरह सफल था। देखिए बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वो प्रयास कर रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर लाया गया है शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, जहां भी शराब जो बनता है उसको देखने के लिए अब हेलीकॉप्टर लाया गया। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ, हेलीकॉप्टर लाया गया है। अब हेलीकॉप्टर लाया गया है, अब सेना भी बुलाया जाएगा, हद कर दी आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये सब नाटक नौटंकी आप क्या कर रहे हैं? कभी दुल्हन के कमरे में जा कर के पुलिस सर्च करती है शराब, अभी जो है सारा सिस्टम सारा सरकार सारी ताकत लगी हुई है शराब खोजने में। लोगों को छात्रों को किताब हाथ में नहीं मिल रहा है, विद्यालय विश्वविद्यालय पाठशाला की चिंता नहीं है, मदिरालय तो मधुशाला इसकी चिंता में जितना समय बर्बाद कर रहे हैं शराब माफियाओं शराब तस्करों ने पैरेलल एक इकोनॉमी अपनी खड़ी कर ली है सत्ता के संरक्षण में, और भू माफिया उधर बालू माफिया, और आप अब हेलीकॉप्टर से ड्रोन से शराब खोज रहे हैं। अब जहरीली न लाए हैं, ये हेलीकॉप्टर से शराब अगर खोजवाएंगे, अगर इतना ही चिंता है तो अगर शराब बंदी पर इतना ताकत झोंक रहे हैं, दूसरी ओर बिहार जो है शराब बंदी भी सफल नहीं हो पा रही है, रोज जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, रोज देख रहे हैं जहरीली शराब मिल रहे हैं शराब की बोतलें, लेकिन इतना ताकत अगर लगाए होते तो कम से कम नीचे से टॉप बिहार नहीं करता, बिहार फिसड्डी नहीं होता। लेकिन ये तो सनक और जिद जो है ये समझ से परे है कि सरकार में बैठे लोग सत्ता का संरक्षण है वैसे लोगों को, तो ये क्या सिर्फ आप दिखावे के लिए कर रहे हैं? ये सब नौटंकी बंद करें, बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, चारों ओर से बिहार के लोग परेशान हैं, न किसी को विद्यालय में न शिक्षक हैं, पाठशाला में शिक्षक हैं नहीं लेकिन शिक्षक घूमेंगे मधुशाला में, किताब छात्रों के हाथ में नहीं है लेकिन शराब खोजने का काम कर रहे हैं। यही हेलीकॉप्टर आप उतार दिए होते जो बाढ़ में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे, पटना जब नाले के पानी में डूबा था तो उस समय आपको नहीं याद आ रहा था, लेकिन आप ये शराब जितना शराब में नशा नहीं है उससे ज़्यादा नशा तो सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है और जहरीली शराब परोसा जा रहा है। अरे जिसके सहयोग से आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है, बीजेपी सबसे बड़ा दल है, बीजेपी कह रही है कि प्रशासन शराब माफियाओं से मिला हुआ है। संजय जायसवाल जी का बयान देखिए, बीजेपी के कोटे से पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, वो अपने मंत्री पर भू माफिया से मिले उन्हें का आरोप लगा रहे हैं। विधायक बीजेपी के ज्ञानू जी अपने सभी मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर से खोजेंगे, हेलीकॉप्टर से खोजिए चाहे सेना बुलाइए, जब तक सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं शराब तस्करों को मिलेगा, लोग जहरीली शराब पीते रहेंगे मरते रहेंगे। आप पूरा एनर्जी ऊर्जा सरकार की सारी ताकत झोंक दीजिए, इससे फायदा क्या होगा। जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय का देख लीजिए शराबबंदी किस तरह सफल था, सरकार में बैठे लोग शराबबंदी को विफल करने में लगे हैं तो फिर हेलीकॉप्टर क्या करेगा। बिल्कुल, तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर आया है तो हेलीकॉप्टर उस वक्त लाना चाहिए था जब पटना के लोग नाले के पानी में डूब रहे थे। मेज प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।